गुलोड कस्बे के अंतर्गत सरेड़ी गांव के उधम सिंह जो आज दिन के समय अपनी बकरियां पनियाली के जंगल में चरा रहे थे, उस समय अचानक तेंदुए ने बकरियों पर हमला बोल दिया। जब तक उधम सिंह कुछ कर पाता, तेंदुए ने कुछ ही मिनटों में 5 बड़ी बकरियों को मार गिराया। उधम सिंह के पास 8 बकरियां थी जिन्हें वह हर रोज जंगल में चराने जाता था। उधम सिंह गरीब परिवार से संबंध रखता है, उसकी रोजी रोटी उसी से चलती थी। अचानक तेंदुए द्वारा 5 बकरियों को मार गिराने से उधम सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। उधम सिंह ने जंगल में तेंदुए द्वारा हमला करने के बावजूद अपना हौसला दिखाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद 3 बकरियों को बड़ी मुश्किल से बचाया, वरना तेंदुआ बाकी की 3 को भी अपना निवाला बना लेता। उधम सिंह को अभी हाल ही में उसकी ईमानदारी और चोरों को पकड़वाने की मदद के लिए जिला के पुलिस कप्तान सम्मानित कर चुके हैं। गुलोड़ के जिला परिषद बिहारी लाल श्रेणी के उप प्रधान राजकुमार, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री ने उधम सिंह को हुए नुकसान पर दुख जताया। पंचायत के उप प्रधान राजकुमार ने सरकार व जिला प्रशासन से उधम सिंह को मुआवजा राशि देने की गुहार लगाई है। वन रक्षक विनोद कुमार ने बताया कि उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उधम सिंह की बकरियों को तेंदुए ने मार गिराया है। वह तुरंत मौके पर गए तो देखा कि 5 बकरियों को तेंदुए ने मार गिराया है। उन्होंने इस मामले की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। कागजी कार्यवाही की जा रही है। पशु चिकित्सक पंकज लखनपाल से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी इस मामले की सूचना मिली थी और वह मौके पर गए थे। उन्होंने तेंदुए द्वारा बकरियों को मारने की पुष्टि की है और अपनी कागजी कार्यवाही शुरू कर दी है। एकदम पड़ा और फेंकता गया इसको। क्या था ये, तेंदुआ था? हाँ, तेंदुआ था। आप हर रोज जंगल में बकरियां चराने आते हो? हाँ जी। कितने साल से आप बकरियां चरा रहे हैं? मैं 10 साल से चरा रहा हूँ। 10 साल से। क्या आपकी पत्नी है? हाँ जी। क्या नाम है इनका? रोशनी देवी। रोशनी देवी। हाँ। आप गरीब परिवार से संबंध रखते हैं? हाँ जी। गार्ड साहब, क्या कहेंगे आप, ये जंगल आपके अंतर्गत आता है पनियाली का, पनियाली बीट, आप वन रक्षक हैं, आपको सूचित किया, किसने सूचित किया कि जंगल में बकरियां तेंदुए ने खा ली हैं? जो पंच जी है ना इस एरिए के, उन्होंने रिंग मारे मेरे को, बकरियां नहीं बोला कि क्या है। अच्छा। तो मैं क्वार्टर का काम करवा रहा था, वहां से जल्दी आया कि क्या बात हो गई, क्यों बुला रहे हैं जी, इसीलिए मैं वहां से उठ के आया, तब देखा यहाँ बाघ ने खाई।